जो है वो बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल की जो है बैठक चल रही थी, जहां पर्यवेक्षक मौजूद थे, जो तीन पर्यवेक्षक केंद्र की तरफ से बनाए गए थे, और इन सब के बीच में कई नाम जो है वो लगातार चल रहे थे। लेकिन आप ये समझिए कि अब विष्णु देव साय जो है वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे, जिनको लेकर ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं की जा रही थी, पहले भी था कि चर्चा जो है वो लगातार की जा रही थी कि विष्णु देव साय जो है उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और हुआ भी यही कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो है वो विष्णु देव साय को जो है बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। हालांकि आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए ये जो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, वो हमेशा से यही कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यतेंद्र जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या पैटर्न ध्यान में रखा गया होगा? यतेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मोहर लग चुकी है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे और कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं और एक बार नहीं, दो बार विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अब नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। अब से कुछ देर के बाद औपचारिक ऐलान विष्णुदेव साय के नाम पर किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनके नाम पर स्वीकृति प्रदान कर दी और अंदर जो फर्स्ट फ्लोर कुशाभाऊ ठाकरे के प्रथम तल यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर जो विधायक दल की बैठक चल रही है, उसमें विष्णुदेव साय को नए मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है। विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग चुकी है। अब से कुछ देर के बाद ही औपचारिक ऐलान होगा, विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के होंगे। विष्णुदेव साय दो बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विष्णुदेव ट्राइबल एरिया में बड़ा नाम आता है, दो बार प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश की वो कमान संभाल चुके हैं और आदिवासी चेहरे के तौर पर अब वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। जो पर्यवेक्षक हैं सर्वानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा भी आदिवासी समुदाय से आते और उनको भेजा गया केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर कि आदिवासी समुदाय से ही प्रतिनिधित्व इस बार छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। क्या यही वजह है? क्या यही वजह? मैं लौट रही हूँ यतेंद्र आपके पास। देखिए, सिलसिला जो है बधाइयां देने का वो शुरू हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है उनका ऐलान कर दिया गया है। और ये तस्वीर मैं दरअसल आपको विष्णुदेव साय की दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर विष्णुदेव साय को जो है क्यों मुख्यमंत्री के तौर पर जो है चुना गया है। कुनकुरी विधानसभा से आते हैं, राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और खुद विष्णुदेव साय की बात करें तो आदिवासी समुदाय से आते हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा है आदिवासी समुदाय के विष्णुदेव साय। इतना ही नहीं, देखिए बीजेपी जो है वो लगातार इस बात को कह भी रही थी कि इस बार जो है आदिवासी समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दो बार, जिस तरीके से यतेंद्र बता रहे हैं, दो बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रमन सिंह के बहुत करीबी कहे जाते हैं और शायद यही वजह है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। आप ये समझिए, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया था, हालांकि जब संगठन पद से जो है, हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से यतेंद्र का रुख कर लेती हूं। यतेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, दो बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं और एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं आदिवासी समुदाय के, रमन सिंह के बेहद करीबी कहे जाते हैं और जनता